फिर जनता वोट की है, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जनता सिवान की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए वोट की है। नहीं तो आज देखें ना क्या हुआ है, कल दोबारा अगर शहाबुद्दीन की पत्नी जीती तो सिवान सीरिया हो जाएगा, मुसलमान भी नहीं बचेंगे, मुसलमानों को भी वही लोग मारेंगे। तो सम्मानजनक मत से हमारे उम्मीदवार का जीत होगा, झटका से नहीं होगा, बहुत बढ़िया पटका दिया जाएगा सिवान में। 110% हमारी जीत हो रही है, और सिवान के मतदाताओं का रुझान और एग्रेसिव जो वोटिंग हुआ है इस आंकड़े के हिसाब से, और प्रत्येक बूथ से जो हमने आंकड़े जुटाए हैं उसके हिसाब से हम 110% आश्वस्त हैं कि एनडीए की जीत होगी, हमारी जीत होगी। ब्राइडल मेकअप, ग्लैमर मेकअप, फैशन मेकअप, फैंटेसी मेकअप, एयरब्रश मेकअप और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो चले आइए राजा हेयर एंड मेकअप एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर, जहां आपको मिलेगा मेकअप के साथ सीखने का भी मौका, वो भी बहुत कम पैसों में। पता महिंद्रा शोरूम के सामने, अड्डा नंबर 2, सिवान। इस बार अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए देखिए, वोटिंग के पहले सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहा था, अब जनता का जो भरोसा है, विश्वास है, वो अब ईवीएम में बंद हो गया है और इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अब ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगा, ईवीएम में बंद होने के पहले सभी लोग जीत रहे थे और कुछ लोग अभी भी जीत रहे हैं। अब सारा जनता का भरोसा, विश्वास ईवीएम में बंद हो चुका है, कौन जीतेगा अब जनता, ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगी, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। अब गर्भगृह में बंद है सब वोट, 23 तारीख को काउंटिंग होगा, पता चल जाएगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपको क्या लगता है, अपने क्षेत्र में इतना घुमा है, क्या लगता है भरोसा जीता है? हमने तो जनता पर भरोसा किया है और पूरे जनता जो है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वोट किया है, हमें पूरे भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि देश की सुरक्षा के लिए, सिवान की सुरक्षा के लिए जनता हम सबों को वोट की है, एनडीए को वोट की है, और पूर्ण रूप हम लोगों को भरोसा है जनता पर कि कभी जनता जो है उन अलगाववादियों को, देश को तोड़ने वालों को, सिवान के अमन चैन छीनने वालों को वोट नहीं की है। फिर अब गर्भगृह में बंद है, अब जब काउंटिंग हो तब पता चलेगा जब क्या रिजल्ट होता है। कई तरह के अफवाह भी फैलाए जा रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू और भी कई थ्रू, क्या लगता है इसका करारा जवाब मिलेगा इस बार वोटिंग? निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही थी, सच्चाई क्या था, सच्चाई तो जनता जान गई जो कौन क्या फैला रहा था। कभी कह रहा था अजय सिंह यादवों को मारा, अजय सिंह ने कुशवाहा बिरादरी को मारा, अजय सिंह की हो गई अरेस्टिंग। ये सोशल मीडिया फेसबुकिया जो अपना कारनाम किया है उस पर से जनता की भरोसा उठ गई है। अब जनता इन लोगों के बात पे भरोसा नहीं करेगी। जो लोग पैड न्यूज चलाते थे बना करके, उन लोगों की भरोसा उठ गई है जनता पर, जनता से भरोसा उठ गई है, और जनता जो है उन लोगों को जान गई है कि चुनाव में मेढक जैसे आया है, फिर चुनाव बीतेगा ये सबको पता नहीं चलेगा, किसी के पीछे घूम के नारा लगाएगा। कुछ सोशल मीडिया के कुछ लोगों को, चैनल वालों को देखे कि किसी पार्टी के पीछे जा कर के नारा लगा रहे थे, अब वही लोग रोड पर जा कर मीडिया बन जा रहे थे, तो उन लोगों की पोल खुल गई है कि सच्चाई से परे जनता को गुमराह किया जा रहा था। हम लोग किसी जनता को गुमराह नहीं किए हैं, हम लोग सही बातें रखी हैं कि जनता जो है देश की सुरक्षा के लिए वोट करे, सिवान के अमन चैन के लिए भी जो है वोट करें, और जनता अपनी अमन चैन के लिए वोट करें और अपनी सुरक्षा के लिए वोट करें। इसके लिए हम लोगों ने आग्रह किया और लोगों को जगाया, फिर जनता वोट की है, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जनता सिवान की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए वोट की है। नहीं तो आज देखें ना क्या हुआ है, कल जिनके लिए आप नारा लगा रहे थे, जिनके लिए आप कूद कूद कर वोट मांग रहे थे, वही लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ। कल ही ना गोलियों से छलनी की गई जी, सीरिया हो जाएगा दोबारा अगर शहाबुद्दीन की पत्नी जीती तो सिवान सीरिया हो जाएगा, मुसलमान भी नहीं बचेंगे, मुसलमानों को भी वही लोग मारेंगे और मारते आए हैं। अपराधी किसी का होता नहीं,
किसी अपराधी का कोई जात नहीं होता, वो जो पाए जिसको पाएगा उसी को मारेगा। अभी देख लीजिए वोटिंग का रिजल्ट क्या होगा, तब तक हमारे पोलिंग एजेंटों को मार रहा है। वोट दिया नहीं दिया, भाई जनता मालिक है, हमको वोट देगा चाहे आपको वोट देगा, और वोट नहीं देगा तो आप मारिएगा उसको। इस तरह के करनामे हो रही है, 10 जगह पर घटनाएं हुई है। आरजेडी को वोट नहीं देने के वजह से जनता को मारा जा रहा है, गरीब गुरबों को मारा जा रहा है। हमने तो कहा जो हिम्मत है तो हम लोग से आके लगी है। अब गरीबों के हाथ खाली हाथों के लोगों पर क्यों हाथ चलाते हो यार? और वोट तुम्हारे मारने से कोई देगा? वोट मारने से किसी को कोई मिलने वाला नहीं है। और ये परंपरा ख़त्म कर दें कि वोट जो नहीं देगा सो मराएगा, वोट नहीं देगा सो पिटाएगा, ये परंपरा लोग ख़त्म कर दें, नहीं तो बुरा हाल होगा इसके बाद। हम पहले हिदायत दे देते हैं उन लोगों को, जनता मालिक है, मन करेगा वोट देगी, नहीं मन करेगा नहीं वोट देगी, और नहीं देगी तो मारी जाएगी जनता। ये परंपरा ख़त्म करे। और शहाबुद्दीन का राज नहीं है, जो मारता था वो तिहाड़ में बंद है, और जो लोग अब मार रहे हैं वो लोग तो तिहाड़ में बंद हो गए, नहीं तो सिवान में बंद हो गए। अब संभल जाएं उन लोगों को, हम कहते हैं कि संभल जाएं, जनता मालिक है, जनार्दन है, उसको मारिए मत, वोट दिया चाहे नहीं दिया। ऐसे में 23 को गणना है और कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन ऐसे में क्या अपील करना है? और देखिए जनता मालिक है, जिसको जिताएगी चाहे हराएगी, मालिक पर कोई किसी का जोर नहीं चलेगा। हम लोग जीतेंगे तो ठीक है, हारेंगे तो भी ठीक है, जनता को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मालिक को कोई परेशान नहीं कर सकता। जीत में भी खुशी है हमारी, हार में भी खुशी है, दोनों में हमारी खुशी है। हम जनता को परेशान नहीं करेंगे, जो वोट दिया उसे भी मैं नमस्कार करूंगा, जो नहीं दिया उसे भी नमस्कार करूंगा, क्योंकि जनता हमारी है और जनता मालिक है, मालिक पर हम लोगों का कोई जोर नहीं है। जो लोग जनता को मारते हैं वोट नहीं देने के वजह में, उनको जनता सबक सिखाते रहती है, फिर सिखा देगी, 23 तारीख को पता चल जाएगा। जो लोकसभा चुनाव हुआ है 12 तारीख को मतदान हो चुके हैं पूरे जिले में, क्या लगता है जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है आपकी पार्टी? देखिए 12 तारीख को जो मतदान हुआ है सिवान में, उसके समीक्षा से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उसका परिणाम हम लोग के पक्ष में जाएगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जीत सुनिश्चित रूप से होगा। चूँकि यह चुनाव को लेकर सिवान की जनता आतुर थी, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनको पुनः से फिर उसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग एकदम से आतुर थे। आंतरिक समीक्षा हुई होगी आपकी पार्टी में, क्या लगता है कितने मतों से आप लोग की जीत? देखिए इसको तो मैं स्पष्ट नहीं करूंगा, परंतु सम्मानजनक मत से हमारे उम्मीदवार का जीत होगा, झटका से नहीं होगा, बहुत बढ़िया पटका दिया जाएगा सिवान में। अच्छा, सोशल मीडिया पर दो पेपर घूम रहा है, जिसमें एक आरजेडी की तरफ से उसमें आरजेडी के उम्मीदवार हीना साहब को जिताया जा रहा है, और दूसरा पेपर है उसमें कविता सिंह विजयी बताई जा रही है, क्या लगता है उसके बारे में, क्या जानकारी है? कौन क्या घुमा रहा है उस के फेरा में हम नहीं हैं, हम इस फेरा में हैं 23 तारीख के मतगणना के। हम अपने काउंटिंग एजेंट का बहाली कर रहे हैं, 23 तारीख को मतगणना होगा, और हम तो सभी मतदान केंद्रों का लगभग समीक्षा कर लिए हैं। सभी पंचायत स्तर पर हमने इसका कमेटी के तौर पर हमने इसका समीक्षा कर लिया है। विधानसभा के तौर पे बात करें तो कितने विधानसभा से आप जीत अपनी मान रहे हैं? हम 6 गो विधानसभा है इस लोकसभा में, सभी विधानसभा में हमारा लीडिंग है, निश्चित रूप से लीडिंग। आरजेडी के जो लोग हैं वो लोग का दावा है कि वो लोग जीत दर्ज कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आरजेडी के लोग तो दावा बराबर करते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम पर उन लोगों को हवा निकल जाती है। इस बार भी उन लोगों को दावा
23 तारीख को हवा हो जाएगा और फिर वो लोग वही अपना बात करेंगे, इसलिए हम उन लोग को कोई बात का प्रतिक्रिया नहीं देंगे। यानी अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? अब आप उसको, हम तो सुनिश्चित मान रहे हैं, आप जितने बार पूछिएगा उतने बार हम कहेंगे सुनिश्चित है। 23 तारीख को हमको सिर्फ औपचारिकता बाकी है, सिवान की जनता ने हमको जीत हासिल करा दिया है, उसमें कहीं कोर कसर नहीं छोड़ा है। क्योंकि हमने कह दिया कि सिवान के लोग आतुर थे भाई नरेंद्र मोदी जी को फिर से गद्दी सौंपने के लिए, भाई नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करने के लिए। सिवान में जो विनाश हुआ है उसको सिवान की जनता भूली नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको सबक लेकर 12 तारीख को मतदान किया है और वह परिणाम निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में हुआ है। 110% हमारी जीत हो रही है और सिवान के मतदाताओं का रुझान और एग्रेसिव जो वोटिंग हुआ है इस आंकड़े के हिसाब से और प्रत्येक बूथ से जो हमने आंकड़े जुटाए हैं उसके हिसाब से हम 110% आश्वस्त हैं कि एनडीए की जीत होगी, हमारी जीत होगी। जो आप लोग की आंतरिक मतगणना हुई है उसमें आप लोग क्या लगता है कितने विधानसभा में आप लोग जीत दर्ज करेंगे? सिवान लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है और 6 का 6 विधानसभा क्षेत्र से हमको विजय श्री प्राप्त हो रही है। और मैंने पहले भी बताया कि प्रत्येक बूथ से हमने आंकड़ा उठाया है और मैक्सिमम एक होता है कि आंकड़ा उठता है कि जैसे 100 वोट आपको 100 वोट उस मत वोटिंग प्लेस पे पड़ा तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि 50 हमको है, तो अगर आप हमारे पोलिंग एजेंट हैं आप कहते हैं कि 50 हमको मिला है तो हम आपको 30 ही अपना मानते हैं और 70 आपको देते हैं। उस हिसाब से मैक्सिमम हमने उनको दिया है और जो आंकड़ा हमने उठाया है उस हिसाब से 1,00,000 समथिंग से ऊपर, 1,00,000 से ऊपर वोट से हम चुनाव निकाल रहे हैं और ये इसके लिए हम पूरे एनडीए की टीम आश्वस्त है। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम।